I am S. K. Mishra and I welcome you to the Sharp Career. आपने कुछ लोगों को देखा होगा बात तक करना पसंद नहीं करते, गरीबों से छोटे लोगों से बात तक नहीं करते, पैसे का घमंड, संपत्ति का घमंड, जमीन जायदाद का घमंड, योग्यता का घमंड, हीरो होने का घमंड, नेता होने का घमंड, घमंड ही घमंड से भरा पड़ा है ये संसार। हर एक व्यक्ति घमंडी है, लगभग हर व्यक्ति घमंडी है, किसी किसी चीज का घमंड है, किसी को किसी चीज का घमंड है। अर्थात अपने आप में रहना, किसी से बात ना करना, घमंडी होना। कॉकी शब्द भी मैंने ऐसा लिया है छाट के कि आपको याद रहेगा। कॉकी, गुस्ताख, घमंडी, इसका अर्थ होता है आई थिंक That he is unbearably cocky. Unbearably माने ना सहन करने योग्य, अर्थात इतना घमंडी है कि सहन ही नहीं होता मुझसे। Arrogant, arrogant, ये सभी जितने भी शब्द हैं सब के सब adjective हैं। Arrogant, अहंकारी, ये भी घमंडी है, सबका अर्थ घमंडी है, आप ये समझ लें, ऐसू घमंडी, अहंकारी, दम्भी, ये He was an arrogant person. वो एक अहंकारी व्यक्ति था। Conceited, दम्भी, ऐठू, conceited. She is conceited about her ability. उसे अपनी योग्यता का बहुत घमंड है। Proud माने भी घमंड होता है, ध्यान रखें, घमंडी होता है, घमंड नहीं होता। Pride माने घमंड है, proud माने होता है घमंडी। She was too proud to accept help. वो इतनी घमंडी है थी, इतनी घमंडी थी कि उसने कोई हेल्प स्वीकार ही नहीं की, यानी उसने सहायता नहीं ली। हॉटी, हॉटी माने भी घमंडी है। राजकुमार वाज ए हॉटी हीरो, अर्थात राजकुमार जो फिल्मी हीरो थे बहुत घमंडी टाइप के थे। एक्टर भी दिया मैंने, एक्टर माने अभिनेता, हीरो माने तो सभी जानते हैं। राजकुमार वाज ए हॉटी एक्टर, राजकुमार एक हॉटी यानी घमंडी अभिनेता थे। अब मैंने इसके दो सिनोनिम भी दे दिए हैं, हाई ब्रो, स्नॉटी, किसी का भी समझ लो ये सब सिनोनिम ही है, और दो और दे दिए मैंने। अब इसके दो मैंने एंटोनिम दिए। सिनोनिम कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, यानी एक सा अर्थ रखने वाले, और ये विलोम शब्द है एंटोनिम। मीक, हम्बल, इसके दो ये एंटोनिम है, विलोम शब्द है। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।